सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। कांग्रेस के जन अभाव अभियोग प्रकोष्ठ व पत्रकार संघ की बैठक का आयोजन निकटवर्ती सालासर धाम स्थित श्री गंगानगर धर्मशाला में किया गया। उपखंड स्तरीय पत्रकारों की बैठक में जिला उपाध्यक्ष रामजीलाल शर्मा ने कहा कि किसी भी प्रकार की घटना एवं वारदात की सूचना पर जिस प्रकार कानूनी कार्रवाई करने के लिए पुलिस पहुंचती है, ठीक उसी प्रकार कवरेज करने के लिए पत्रकार भी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा देने के प्रति सरकारें अभी तक गंभीर नहीं है। शर्मा ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकारों को पत्रकारों को सुरक्षा मुहैया करवानी चाहिए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदानंदन पुजारी ने कहा कि पत्रकार शासन प्रशासन और आम जन के बीच की कड़ी है। पत्रकारों को चाहिए कि वो समाज व क्षेत्र के समाचारों को विशेष स्थान देकर प्रकाशित करें। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पत्रकार संघ सुजानगढ़ के अध्यक्ष विनोद लाटा ने कहा कि तेलंगाना में जिस प्रकार से सरकार ने पत्रकारों को सुविधाएं देने की घोषणा की है, उसी तर्ज पर राजस्थान सरकार को भी पत्रकारों को सुविधाएं व सुरक्षा देने की घोषणा करनी चाहिए। संपादक किशोरदास स्वामी ने समयानुसार पत्रकारिता में बदलाव को जरूरी बताया। कार्यक्रम में नंदकिशोर पुजारी, बबलू पुजारी भी मंचस्थ रहे। वहीं अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल पत्रकार मनोज मिश्रा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे शैलेंद्र लाटा ने आयोजक के पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। वहीं बैठक के बाद पत्रकार वीरेंद्र शर्मा, मनीष शर्मा, अजय स्वामी, अमित प्रजापत, राजकुमार चोटिया, तरुण लाटा, दिनेश स्वामी, रिजवान बिदासर, सालासर के भरत सेन, बाबूलाल राव, विद्याधर शर्मा सहित अनेक पत्रकारों का बैठक में अभिनंदन किया गया। वहीं रोहिता शर्मा, जनार्दन शर्मा, कुलदीप शर्मा, पवन कुमार, मुकेश कुणाल कौशिक, बाबूलाल मिश्रा, गोपाल ढाका, निरंजन प्रजापत, हीरालाल, मनोज, प्रियांशु, नवनीत आदि ने अतिथियों का स्वागत किया, अभिनंदन किया गया। आप भी देखिए क्या हुआ इस दौरान और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। मांग रखेंगे मंत्री जी के सामने, डॉक्टर बाबूलाल जी के सामने, सरदार सर बाबूलाल जी के सामने, बुढ़ाने जी के सामने, जो हमारे बड़े आका है उनके सामने मांग रखेंगे कि पत्रकारों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि पत्रकार हर जगह पहुंचता है, चाहे वो सुख की घड़ी हो, चाहे वो दुख की घड़ी हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे मेला हो, चाहे आयोजन हो, चाहे धार्मिक आयोजन हो, कुछ भी हो, पत्रकार पहले पहुँचता है, इसलिए उसकी सुरक्षा होनी ज़रूरी है। देखिए वर्तमान में जो पत्रकारों की स्थितियाँ हैं वो अनुकूल नहीं है, और आज हमारा जो सम्मेलन पत्रकार संघ का उपखंड स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया, उसका मेन उद्देश्य ये है कि पत्रकारों की सुरक्षा किस प्रकार से की जाए और राज्य सरकार तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। जो हमारे जो अतिथि आए थे उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि राज्य सरकार के पास ये पहुंचे कि राजस्थान के जितने भी पत्रकार हैं उनकी सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाए। तेलंगाना में जो है राज्य सरकार, राजस्थान जो राज्य सरकार है वहाँ पर भी हमारा जो संगठन बना हुआ है IFWJ, जो पत्रकार संगठन है, उनकी तरफ से आए दिन हमें जिस जगह जहाँ जहाँ राजस्थान राज्य सरकार के मंत्री जाते हैं वहाँ वहाँ IFWJ संगठन, जो पत्रकार संगठन है, वो मांग करता रहा है और आगे भी निरंतर हमारी सुरक्षा के लिए मांग सबसे सर्वप्रथम रहेगी।